कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को अभिनंदन करने के लिए हम दिल्ली में रहने वाले संजय कॉलोनी पार्टी मंच से और हरियाणा सिरसा रोहतक और फतेहाबाद जिला से हम महिला बच्चे बुजुर्गों सभी हम विजयोत्सव का साथ भारत सरकार को धन्यवाद करने के लिए, मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए, अमित शाह जी को धन्यवाद करने के लिए हम जंतर मंतर से लेकर पार्टी कार्यालय तक हम पादयात्रा करके आया। लेकिन जो पाकिस्तान में अपना हिंदू दलित और समाज जो भारत देश में आया, वहां बहुत तकलीफ था, दुख था, अपना बहन बेटियों का मान सम्मान बचा के, अपना धर्म बचा के हम यहाँ पहुंचा। बहुत 1947 से लेकर हम पूरा देश में जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में करीब 22 लाख संख्या हम और समाज लोग आया। अभी 5-6 साल से दिल्ली में जो पर्टिकुलरली संजय कॉलोनी पार्टी मंच में हम 7,000 परिवार है, उसमें 2,000 परिवार को अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से नागरिकता मिलने वाले है, सुविधा मिलने वाले है। ऐसे हरियाणा में 500 परिवार को सिटीजनशिप मिलने वाले है, सरकार से सुविधा मिलने वाले है। ऐसी कानून जारी किया माननीय नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी सरकार, इस नरेंद्र मोदी जी का इसलिए कानून जारी किया, नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को पता है गरीब लोग का, दलित लोगों का, पीढ़ियों का दर्द क्या है, मोदी जी को पता है, इसीलिए इस कानून को जारी किया। इसीलिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को हम अभिनंदन भी करना चाहते हैं। साथ साथ में हम जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में जो प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, ऐसे लोग को हम निवेदन करेंगे, इस भारत देश में मुसलमान भाइयों को हिंदुस्तान में राष्ट्रपति बनने के लिए मौका मिला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए मौका मिला, क्रिकेट कैप्टन बनने के लिए मौका मिला, हम मुस्लिम और हिंदू भाई भाई जैसे जिंदगी जी रहा है। लेकिन इस कांग्रेस और विपक्षी पार्टी लोग उसको मुस्लिम समाज को भड़का कर कुछ प्रतिभटना करने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसी जो सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी जी भी विदेश से आया, सोनिया गांधी जी को भी इस हिंदुस्तान में नागरिकता दिया। ये ऐसी सोनिया गांधी हो, कांग्रेस हो, उससे हम मांग करेंगे। सोनिया गांधी कांग्रेस का एक इतिहास है, अभी नहीं है, कम से कम 100 साल सा इतिहास है। पहले से लेकर इस जो सीए अमेंडमेंट कानून है, इससे पूरा देश में 64% दलित लोग का, पीड़ित लोग का नागरिकता मिलने वाले है। लेकिन कांग्रेस लोग अंबेडकर को भी वो लोग हराया, अंबेडकर से लेकर अभी सीएए कानून तक दलित समाज का खिलाफ है ये कांग्रेस। लेकिन मोदी जी अच्छा काम किया, अच्छा कानून बनाया, इस कानून का समर्थन करने के लिए हम पूरा दलित और समाज जो पाकिस्तान से आया, पीड़ित है, हम मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को अभिनंदन करेंगे। मुझे या आपको सबको स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, पूरे और समाज को बीजेपी कार्यालय में आके आपको अभिनंदन करने के लिए मौका भी दिया, इसलिए आपको हम धन्यवाद बोलते हुए मुझे ये इस बात को रखने के लिए मौका दिया। सबको मैं नमस्ते करूंगा। बोलो भारत माता की। जय हिंद। मैं श्री दलीप देवाज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक पत्र देने वाले हैं। केवल पत्र आप दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद का पत्र वो आपको पूरी टीम के साथ सौंपेंगे। वेंकटेश जी, दलीप जी, दलीप गुंदले जी से मैं निवेदन करूंगा, वो एक धन्यवाद का पत्र आपको देना चाहते हैं, आभार प्रकट रूप में। मैं साहिबा जी को भी बुलाना चाहूंगा, आप भी साहिबा, बहन साहिबा जी को भी मंच पे बुलाना चाहूंगा, बहन रबीला जी को भी मंच पे बुलाना चाहूंगा, हमारी मातृशक्ति हमारे बीच में आए। ये पत्र भारतीय और समाज सेवा संघ की ओर से माननीय
श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को धन्यवाद और आभार का पत्र है, समर्थन का पत्र है कि आपने वर्षों से धार्मिक उत्पीड़न का सहन करने वाले भारतीयों को आपने नागरिकता प्रदान की। सीएए के समर्थन में आप पत्र जारी कर रहे हैं, पत्र दे रहे हैं भारतीय और सेवा समाज के द्वारा। धन्यवाद दिलीप देवा जी। मैं संक्षेप में सिर्फ धन्यवाद के लिए बुला रहा हूं आपके जो लोग आए, श्री दिलीप कुमार गोंदले जी क्योंकि आपके नेतृत्व में आए हैं तो केवल आपके लोग आए हैं उनके लिए केवल दो मिनट में अपना धन्यवाद दे। दिलीप गोंदले जी शॉर्ट। सामान्य मंच सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मैं तो आदरणीय मोदी सरकार का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी जी नड्डा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देने के लिए आए। हमारे समाज के लोग, हम ये वो समाज है जो पाकिस्तान में जितनी क्या दुख नहीं झेला, वहां पर हमारे समाज के साथ इतना अत्याचार, इतना अत्याचार पाकिस्तान में हुआ, हमारे सामने हमारी बहन बेटियों की इतनी सुरक्षित नहीं थी, हमें दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं समझा जाता था, वो जानते थे हमारी इज्जत के साथ खेलते थे वहां पर, वो जानते थे जो हमारे बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे वहां पर, वो जानते थे हमारे पर हमला कर देते थे वहां पर, हमें जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए दबाव डाला जाता था वहां पर, हमें जबरदस्ती गाय खाने के लिए कहते थे कि आप ये गाय खाइए वहां पर, जिसका हम हिंदू गाय माता का दर्जा देते हैं वहां पर, जबरदस्ती जब आते थे हमें उठा के ले जाते थे वहां पर, तब मर्जी उनको चाहते थे वो कर लेते थे। हम अपना यह धर्म बचा के आए पाकिस्तान से, हिंदुस्तान में आए धर्म बचा के, आज मोदी सरकार ने हमें ये सम्मान दिया है वहां पर, मोदी सरकार ने हमें सम्मान दिया है वहां पर, कुछ भी पक्षपात या बेमतलब का इसका वो विरोध कर रहे हैं वहां पर। अरे आप पाकिस्तान में जाके तो देखिए हिंदुओं की दुर्दशा क्या है वहां पर, जो लोग विरोध कर रहे हैं वहां पर, उनको चाहिए कि अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान में रह के आए और उनको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता क्या है वहां पर, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ होता है वहां पर, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है वहां पर, जाके देखें ये पाकिस्तान में जाकर हमारे साथ तो इस तरह जुल्म झेल के आए वहां पर, हमें तो अपना सब कुछ छोड़ के आए वहां पर, हम तो बस सब कुछ छोड़ के आए, भाई साहब बोलने दीजिए, हम अपना दर्द व्यक्त करना चाहते हैं वहां पर। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमें वहां पर बोलने का मौका दिया है वहां पर, हमें भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है वहां पर, हमने अपना दर्द अपना घर बार छोड़ा है वहां पर, हम सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान में आए वहां पर, कुछ भी नहीं लाए वहां पर, हमको तो वहां पर मार मार कर हमें तो चाय का कप में चाय भी नहीं पीने देते थे, अगर उनको पता लग जाता कि ये हिंदू है और उसने बताया नहीं तो हमें मारते थे और कप के पैसे भरवाए जाते थे, हमें किसी गिलास मुसलमान के साथ पाकिस्तान में गिलास का पानी अगर पी लिया पता लगा हिंदू तो मारते थे वहां पर, ये हमारे साथ जुल्म होता था वहां पर। आप हमारे दर्द को समझे, मैं मीडिया भाई के मीडिया से कहना चाहूंगा वहां पर, आप हमारे हिंदुओं का दर्द समझे, मोदी सरकार ने उन लोगों को नागरिकता दे रही है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा के आए हैं यहाँ पर, जो अपनी माँ बहनों की इज्जत बचा के आए वहां पर, अपना हिंदू धर्म बचा के आए, हम भी चाहते हैं कि हमारी अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित हो, हम भी गंगा में रहना चाहती है। मैं आप मीडिया के भाइयों से पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, आपके से सवाल करना चाहता हूँ कि 1947 के बाद किसी मुसलमान ने कहा कि मुझे पाकिस्तान में बसना, किसी ने कहा कि मैं बांग्लादेश में जाना चाहता हूँ, वो यहाँ सुरक्षित है, वहां जाकर ये चले, यहाँ के मुसलमान भी अगर पाकिस्तान में चले जाए तो वो एक घंटा सुखी सांस नहीं ले सकते वहां पर। मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ आपसे यही निवेदन करूंगा, हमने क्या दर्द नहीं झेला वहां पर, क्या दर्द नहीं झेला, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा के आए हैं, मेरे यहाँ पे बैठे हुए सभी, हमें मोदी जी ने तो सम्मान दिया है, हमें मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं, पैदल चल के आए हैं वहां पर। और आदरणीय यहाँ बैठे हुए सम्मानित मंच, हम 1947 से आए हुए जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी अभी तक रिफ्यूजियों का जीवन जी रहे हैं, उनको भी सम्मान नहीं मिला। आज हमारे बीच में हमारे डॉक्टर वेंकटेश मौर्या जो बेंगलोर से चढ़कर
हमारे मसीहा बनकर हमारे बीच में आए, वहां पर हमारे और समाज की बात को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया, नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया और हमारी बात को यहाँ रखा है। वहां पर मोदी जी ने हमें सम्मान दिया है। मैं आप सभी का यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक जोरदार नारा लगा के अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप गोंदले जी, आपने अपनी पीड़ा, अपना दर्द आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय के प्रांगण में रखा। मैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद सोनकर जी से कहूंगा कि अपने विचार संक्षेप में रखें। विनोद सोनकर। भारतीय और समाज सेवा संघ द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आभार व्यक्त करने के लिए जंतर मंतर से चल के पार्टी कार्यालय पर आए हुए सभी और समाज के लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई दुष्यंत गौतम जी और मंच पर बैठे और समाज के सभी नेतागण, आज इनकी पीड़ा देख के, पीड़ा सुन के लगता है कि पाकिस्तान में इनकी क्या दशा रही होगी। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जो देश भर में बाबा साहब की फोटो लगा के लोग इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय संविधान खतरे में है, मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अनुसूचित समाज के लोगों को नागरिकता देने से भारतीय संविधान खतरे में कहां पड़ा है। इन शोषित और पीड़ित को नागरिकता देके इनके उत्थान और कल्याण के लिए काम करना कोई अपराध है क्या? जो लोग इस सवाल खड़ा कर रहे हैं बार बार, उनसे पूछना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का सबसे ज्यादा लाभ 65-70% अनुसूचित समाज के लोगों को मिला है। जो लोग इस बात को करते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या ये 65-70% अनुसूचित समाज के लोगों को नागरिकता नहीं देनी जानी चाहिए, उनको नागरिकता नहीं दिया जाना चाहिए? मैं उनसे जानना चाहता हूं इनका अपराध क्या है। इन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए गाय, गंगा, गौ और गायत्री को अपना आराध्य माना, गाय, गंगा और गौ को अपना आराध्य मानते हुए इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इनके सामने भी विकल्प था, ये चाहते तो अपना धर्म परिवर्तन करके वहां सम्मान से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने गाय को अपनी माता माना, गौ को अपनी माता माना और गायत्री को अपना आराध्य माना और हिंदू धर्म में बने रहने के लिए, हिंदू धर्म को बनाए रखने के लिए इन्होंने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। इन लोगों ने इतनी यातना पीड़ा झेलने के बाद इस देश में आए हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि इन गरीबों को क्या भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए? इनको तो आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं और समाज के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निकल के आके आज माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय अमित भाई का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, इनको शिक्षा से देने के लिए, इनको आवास देने के लिए अगर देश की सरकार निर्णय लेती है तो इसमें जो लोग दुष्प्रचार करते हैं उनको मुंह पे ये करारा जवाब है। आपको इन गरीबों को देखना चाहिए, इन गरीबों की पीड़ा को समझना चाहिए कि कितनी यातनाएं और पीड़ा झेलने के बाद भी आज आपके बीच में है। मैं साथियों कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, अरे संविधान खतरे में नहीं है,
आपकी राजनीतिक रोटी खतरे में है और आप भ्रम फैला के इन गरीब विचार समाजों को आप गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, ये गरीब जो शोषित है, पीड़ित है, इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी आप क्या आए हैं, इनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और अमित भाई शाह ने जो नागरिकता का उपहार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके माध्यम से अब इनका उत्थान भी होगा, विकास भी होगा, इनको विकास की मुख्य धारा में भी जोड़ा जाएगा। इसलिए आज और समाज के लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूंगा, हम लोग सीए पे देश भर में दौरा कर रहे हैं, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दीजिए, देश का बच्चा बच्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ माननीय अमित भाई के साथ और आपके साथ खड़ा है और आपका अभिनंदन करता है, आपको बधाई देता है, आपको धन्यवाद देता है कि जब आपने ऐसे गरीबों की आवाज को सुना है, इनकी पीड़ा को समझा है और देश की आजाद भारत में इनको नागरिकता देने का काम किया है। साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, मैं ज्यादा कुछ ना कह दे, केवल अंतिम बात कहते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। जो लोग कहते हैं ये कानून काला है, 2003 में राज्यसभा में इनके नेता स्वयं खड़े होके इस तरह के कानून की मांग करते रहे और यूपीए 1 की सरकार में पूज्य अटल जी की सरकार ने जब कानून को बनाया, उसके बाद 2004 में जब एनडीए की सरकार आती है तो उसको एक साल के लिए 22 जनवरी को एक साल के लिए बढ़ाने का काम यूपीए 1 की सरकार करती है, दोबारा 12 जुलाई को 2006 को इसी कानून को एक साल के लिए पुनः बढ़ाते हैं। मैं यूपीए के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये कानून काला था तो आपने इसको एक एक साल के लिए दो बार क्यों बढ़ाया? मैं राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, जो पूरे देश में घूम घूम के वो प्रचार कर रहे हैं, उनसे मैं कहना था आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब ये कानून को एक एक साल के लिए दो बार बढ़ाया गया तो यूपीए 1 की चेयरपर्सन कोई और नहीं थी, आपकी माता श्रीमती सोनिया गांधी थी। आपको उनसे जाके पूछना चाहिए, आपको मनमोहन सिंह से जाके पूछना चाहिए, आपको गुलाम नबी आजाद से जाके पूछना चाहिए, आपको यूपीए 1 के नेताओं से पूछना चाहिए कि अगर ये कानून काला था तो इसको बढ़ाने का काम क्यों किया? अगर ये कानून काला था तो मनमोहन सिंह ने ऐसे कानून की मांग क्यों किया? इसलिए साथियों, आज आपने आके जो हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ को मजबूत करने का काम किया है, आज आप हम आपका भी धन्यवाद देते हैं कि समाज के सभी वर्गों से अपील करते हैं, कि आइए हम लोग सड़कों पे निकल के ऐसे लोगों को करारा जवाब देने का काम करें जो इस कानून के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपके माध्यम से पुनः माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस समय आके आपने पार्टी को जो धन्यवाद दिया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विनोद सोनकर जी। मैं इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं दुष्यंत गौतम जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात को संक्षेप में रखें। श्री दुष्यंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की। आज इस भारतीय ओट समाज सेवा संघ की ओर से आयोजित जो पाकिस्तान से आए हुए हमारे शरणार्थी लोग, उनकी पीड़ा और तकलीफ को जहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, साथ में बैठे हुए हमें राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनकर जी, मंच पर आसीन और समाज के सभी पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, बंधु, आज आप सब लोग जो आए हुए हैं, आप पाकिस्तान से ऐसे पीड़ित लोग हैं जहां पे पाकिस्तान में आपको हिंदू कहकर आपकी तृष्णा की जाती थी, आपका तिरस्कार किया जाता था, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, रोजगार नहीं मिलता था, आए दिन आपको उत्पीड़न सहना पड़ता था। और आजादी के बाद जब आप हिंदुस्तान में आ गए
तो आपको पाकिस्तानी कहकर आप मकान नहीं खरीद सकते थे, आप दुकान नहीं खरीद सकते थे, आप रोजगार नहीं चला सकते थे, थोड़ा बहुत रोजगार करते थे तो अनेक लोग आपको पाकिस्तानी कहकर प्रताड़ित करने का काम करते थे। आज मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, अब आपको पाकिस्तानी कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, आप आज से हिंदुस्तानी है और भारत माता के सपूत है। मैं आपके माध्यम से आज उस नेतृत्व को बताना चाहता हूं जो आज सीए के विरोध के अंदर जगह जगह बैठे हुए, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं जो अनेक राजनीतिक दल मन से चाहते हैं कि सीए ठीक है लेकिन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अनेक षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान में रहने वालों का तो अत्याचार हुआ, आप इतने भले थे, एक आजकल नया नारा चला है जय भीम जय भीम, मैं जय भीम वालों से पूछना चाहता हूं, ए जय भीम वाले आप जब कांगे थे 370 से पहले 200 परिवार पंजाब से गए थे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर गए थे और जम्मू कश्मीर के अंदर उनको सफाई का काम करने के लिए ले जाया गया था, वहां पे वो सफाई का काम के लिए कहा गया, आज उनके बेटे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए और वहां की 370 के कारण जम्मू कश्मीर सरकार बोलती नहीं कि हम आपसे सफाई करा सकते हैं, आप एमबीबीएस की डिग्री है बेशक लेकिन हम आपको डॉक्टर नहीं बना सकते क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि आप सफाई करोगे। कांगे थे जय भीम वाले, कांगे थे सारे देश में रहने वाले मुसलमान जो देश के मुसलमान की चिंता नहीं करते, देश में रहने वाले हिंदुओं की चिंता नहीं करते, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की चिंता करते हैं। कांगे वो जय भीम वाले, कांगे वो जय भीम वाले जो जामिया सलामिया के अंदर जहां पे एक रुपया एक पैसे से लेके करोड़ों रुपया कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर लगता है लेकिन वहां पे आरक्षण नहीं मिलता, एक रुपए का आरक्षण नहीं, एक पैसे का आरक्षण नहीं है, पूरे देश के सारे अनुजाति वर्ग के नेता बार बार कहते रहे लेकिन इन्होंने दिल्ली हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहने वाले दलितों का जिस प्रकार से तिरस्कार किया है, जिस प्रकार से अपमान किया है, आज दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान में रहने वाले दलितों को सम्मान मिल रहा है, बहकाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा अत्याचार की अगर आपको प्रकाष्ठा देखनी है, अभी मेरे से पहले एक यहाँ पर आपको ऑडियो सुना रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे अनुयायी रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब आजादी के बाद में संविधान लिखा और संविधान के अंदर उन्होंने जो भी पीड़ा और तकलीफ सही जीवन के अंदर जो दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ एक एक धारा के अंदर दलितों को उस पीड़ा से बाहर निकालने का काम किया, उस समय भी ये कहे थे, हैदराबाद के नवाब कहे थे कि आप मुसलमान बन जाओ, ईसाई कहे थे कि आप ईसाई बन जाओ, उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तानी हूं, भारतीय हूं और भारतीय ही रहूंगा, मुझे मालूम है कि आपसे हमारा गठजोड़ नहीं चल सकता, आपकी सोच और विचार सारी अलग अलग है, आज संविधान बन चुका है और संविधान के अनुरूप आपको सारी की सारी हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को जिसका जो आपको बताई थी कैसेट बताई थी उसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा, योगिंदर मंडल जी एकदम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समतुल्य नेता थे, अच्छे तरीके से संविधान को जानते थे, पढ़े लिखे थे, जिस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यहाँ पे संविधान का मसौदा तैयार किया था, योगिंदर मंडल जी ने पाकिस्तान में संविधान बनाने का काम किया था, जिन्ना उनको बहका कर ले गए कि मैं आपको वहां मंत्री बनाऊंगा, आपको इज्जत दूंगा, डॉक्टर अंबेडकर से इज्जत ज्यादा दूंगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने योगेंद्र मंडल जी को समझाया था कि मैंने पीड़ा सही है, मैंने तकलीफ सही है, मैंने छुआछात सही है, सारी चीजें सही है लेकिन संविधान के अंदर धारा के अनुसार आने वाले समय में ये सारी बुराइयां मिट जाएंगी, कोई बुराई नहीं देखी जाएगी और आज हम देखते हैं हम साथ बैठते हैं साथ उठते हैं, लेकिन योगेंद्र मंडल ने वो बात नहीं मानी, जिन्ना के बहकावे में आकर बंगाल से बांग्लादेश के अंदर लाखों लोगों को लेकर चले गए, लाखों लोग वहां पर जब वो त्राई त्राई मचाने लगे, उन्होंने जोगिंदर मंडल ने 47 के अंदर गए थे और 1950 तक सामने देखा दलितों की मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जान से मारा जा रहा है, जोगिंदर मंडल 1950 में भागकर हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान आकर उन्होंने सबसे बड़ा उन्होंने कहा
अगर दलित अगर सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है। दलित अगर पढ़ सकता है लिख सकता है तो भारतीय संविधान के अनुसार लिख सकता है, और उसी का परिणाम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस हिंदुस्तान ने भारत रत्न से नवाजा। और जोगिंदर मंडल 1950 में आने के बाद में 1968-65 तक बेनामी की जिंदगी जीते रहे। ये देश है, ये देश हमारा देश है। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज का नया गठजोड़ जो जय भीम का चलाना चाहते हैं उसका आपको पर्दाफाश करना है। ये अपने नहीं हो सकते। समय समय पर मैंने कहा था अगर हम दलित भी बने हैं, आज देखिए एक सफाई कर्मचारी के बाद में देखिए नाम, उस पर सिंह भी लिखा होता है, उस पर बैज भी लिखा होता है, उस पर चौहान भी लिखा होता है, और वो दावे से कहते हैं कि हम राजपूत थे, हम पंडित थे, हमें अगर हम धर्म परिवर्तन करा लेते तो हम ये जाति के नहीं रहते। हमें मुसलमानों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की ओर धकेलने का काम किया, हमने गंदा मैला ढोने का काम कर लिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम वो हिंदुस्तानी हैं, आज उन लोगों को इज्जत और सम्मान की जिंदगी मिल रही है, आज आप लोगों को जो सम्मान की जिंदगी मिल रही है। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी दलित जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में है, वो सारे हिंदुस्तान में आ जाए, ये हिंदुस्तान हमारा है। और यहाँ वाले मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, अरे भाइयों तुम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की पैरवी कर रहे हो, बांग्लादेश की पैरवी कर रहे हो, अब अफगानिस्तान वालों की पैरवी कर रहे हो, वो लोग जो हिंदुस्तान में आ गए हैं, आज अगर उनको बाहर निकाल दिया जाए तो 1 करोड़ यहाँ के मुसलमानों को रोजगार मिल सकता है। आप आंख पे पट्टी बांध के मत चलो, ये हिंदुस्तान सबको गले लगाता है। आज देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेकर हम काम कर रहे हैं। मैं पुनः आप यहाँ पर आए हमारे नेतृत्व का धन्यवाद किया, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए संविधान के अनुसार जो देश चल रहा है, सबको न्याय मिल रहा है, उस संविधान का भी मैं सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दुष्यंत जी। हमारे इस भारतीय और समाज के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जिनके प्रयास से आज बड़ी संख्या में आज पहुंचे हैं, श्री अरुल जी तमिलनाडु के प्रेसिडेंट, श्री मुनियप्पा कर्नाटक के, श्रीमती साहिबा, श्रीमती कुमारी किरण, श्री पाल सिंह जी, श्री अर्जुन जी, श्री राजवीर जी, श्री चंद खामरा जी, श्री भागचंद जी कालिया, आप सब लोग का विशेष योगदान रहा, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज 11 बजे से आप जंतर मंतर से चलकर यहाँ 3 बजे पहुंच गए नड्डा जी, पूरी संख्या के साथ, पूरी ताकत के साथ आपको सुनना चाहते हैं। मैं एक बार जोर से बोलूंगा धन्यवाद धन्यवाद, आपने बोला नड्डा जी का धन्यवाद 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 धन्यवाद, मैं बोलूंगा धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हाथ उठाकर धन्यवाद 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 धन्यवाद, अमित शाह जी का धन्यवाद 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 धन्यवाद, एक बार हाथ बांधकर मुट्ठी जोड़कर भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आपका जोश बरकरार रहे, जब तक आए नहीं तब तक तालियां बजती रहे, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें माननीय नड्डा जी। आज के आपके इस धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ पार्टी के महामंत्री और सांसद भाई अरुण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद विनोद सोनकर जी, वेंकटेश प्रसाद मौर्य जी अध्यक्ष भारतीय ओट समाज सेवा संघ, भगवान दास जी उपाध्यक्ष, दलीप कुमार जी राष्ट्रीय महामंत्री, दलीप देवाज जी प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, रमेश कालिया जी हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष, और आज के कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार फुलवारिया जी, और यहाँ ओट समाज के एकत्र आए सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, आप सब लोग इस ठंडी में जंतर मंतर से चलकर
ओट समाज के सभी कार्यकर्ता यहाँ पार्टी के कार्यालय में आए हैं, आदरणीय मोदी जी को और अमित शाह जी को, राजनाथ जी को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आप सब लोग जो भारत में आए थे उनको नागरिकता प्रदान करने का विषय लंबे समय से चल रहा था। जो कई सरकारें आई लेकिन इसको ठीक ढंग से पूरा नहीं कर सकी, उसको मोदी जी ने पूरा किया है, उसके लिए आप धन्यवाद देने आए हैं। पार्टी की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, यह काम नागरिकता संशोधन का हमारे मैनिफेस्टो से लेकर हमारी सोच में शुरू से विराजमान था। भारत की जनता ने हमें ताकत दी, हमारे सांसद चुन करके आए और सांसदों के माध्यम से ही कानून बनता है, तो उस संशोधन को ला करके आपको नागरिकता प्रदान करने का काम किया है। इस काम के लिए जो मोदी जी ने हिम्मत दिखाई है, जो अमित शाह जी ने सूत्रधार बनकर के शिल्पकार के तरीके से उसको अंजाम दिया है, और आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने का भारत में अवसर दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये हम सबको मौका दिया। आपसे बेहतर पाकिस्तान के बारे में और कौन जानता हो। जब ये देश आजाद हुआ तो उसी समय पाकिस्तान भी बना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पहले तो जब ये फैसला हुआ ये अपने आप में एक ऐसा फैसला था जो हमारे लिए नासूर बन गया। देश का बंटवारा जब हुआ तो हम ये जरूर कहेंगे कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा 1947 में लाखों लोग अपने घर, वतन, संस्कृति सबको छोड़कर जान बचा करके उनको आना पड़ा था। 20वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। ऐसा नरसंहार देखा नहीं था। लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग घर बार छोड़कर जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वह सब भारत में। उस समय महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान में हैं और हिंदू होने के नाते, बौद्ध होने के नाते, जैन होने के नाते सुरक्षित नहीं है, उनको भारत में लाने का प्रयास करना चाहिए और उनको सरकारी नौकरी दे करके उनको जीवन व्यतीत करने में मौका देना चाहिए। ये 47 में महात्मा गांधी ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में कहा कि ये जो रिलीफ फंड है, इस रिलीफ फंड से उनको भी रिलीफ दिया जाना चाहिए जो हमारे लोग वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं। मनमोहन सिंह ने 2003 में 18 दिसंबर को राज्यसभा में कहा, और वो उन्होंने अडवाणी जी से कहा जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, कि बांग्लादेश में इनका प्रताड़ना हो रही है, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए और मैं अडवाणी जी से निवेदन करूंगा कि इनके लिए संशोधन करके उनको नागरिकता प्रदान करनी चाहिए। ये उन्होंने कही। लेकिन जब मोदी जी ने यह करके दिखा दिया, 2014 में 31 दिसंबर के पहले आए हुए सब लोगों को भारत की नागरिकता देने को तय कर दिया,
जिसके आधार पर आपको नागरिकता मिल रही है, तो इन्होंने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए देश से ऊपर वोट को रखा और लोगों को गुमराह करने का काम शुरू कर दिया। क्या गुमराह किया? करोड़ों लोग आ जाएंगे, देश कैसे चलेगा? अरे आएंगे नहीं, ये कानून उसके लिए है जो है, यहां पर आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है, ये हमको समझना। फिर क्या भड़का रहे हैं? भड़का ये रहे हैं कि इससे तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। ये कानून ऐसा है जो नागरिकता लेता नहीं है, नागरिकता देता है, सिर्फ देता है, इसको भी समझना चाहिए। लेकिन गुमराह करने का काम पकड़ा हुआ है, गुमराह कर रहे हैं, और इससे हमको बचने की आवश्यकता है। दूध का दूध, पानी का पानी बताया जाए, सच्चाई लोगों के सामने रखी जाए, और आपसे ज्यादा इसके दर्द को कोई नहीं जानता है, आप समझ सकते हैं जिसकी दर्द को मोदी जी ने समझा है, इसको हमको जानना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था पिछली सरकार, पाकिस्तान से एक डॉक्टर 54 साल की उम्र का अपनी बहन की इज्जत बचाता हुआ भारत आया था। भारत में उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार इसलिए नहीं था क्योंकि वह वहां की मेडिकल की डिग्री हमारी सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं चाहता था, वो मेरे से बोल रहा था कि भाई साहब बताइए, मैं 54 साल उम्र है, अब मैं डॉक्टरी पढ़ूंगा क्या? अब आपकी डिग्री लूंगा मैं क्या? मुझे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब नागरिकता मिलने के कारण अब वो प्रैक्टिस कर सकेगा, यह परिस्थिति आकर के आप बताइए, आपके बच्चे स्कूल पर जब जाएं तो एडमिशन कहां कराए, क्या नाम से कराए? कोई मेडिकल पढ़ना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, छोटे छोटे आए थे, आज वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, एडमिशन नहीं मिल सकती है क्योंकि भारत के नागरिक आप नहीं थे। ये आपके साथ उत्पीड़न हो रहा था। आप मकान बनाना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आप भारत में बसे हैं, आपको बसाया गया है, भारत सरकार ने बसाया है, उसके बावजूद भी आप मकान नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास नागरिकता नहीं थी। मोदी जी ने आपका रास्ता साफ किया है, अब आप भारत के विशुद्ध नागरिक हैं और सब तरीके के अधिकार आपके पास है, यह हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस बात का जिक्र सोनकर जी ने भी किया और थोड़ा सा जिक्र दुष्यंत जी ने भी किया कि इसमें आने वाले लोग ज्यादातर राजनीतिक दृष्टि से धार्मिक दृष्टि से प्रताड़ित होकर के आने वाले लोग 60-70% दलित वर्ग है, 60-70% मतवा समाज, राजवंशी समाज, नमोशूद्र समाज, कोली समाज, मेघवाल, ये सभी लोग बड़ी संख्या में, कोई बांग्लादेश से आया है, कोई पश्चिमी पाकिस्तान से आया है, और ऐसे समाज के बारे में जो लोग अपने जीवन यापन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जीवन जूझ रहे हैं, उनको नागरिकता देकर के मोदी जी ने मुख्य धारा में लाने का, शामिल करने का तय किया है, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहां है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए देश बाद में है, वोट पहले है, इनको देश बाद में समझ में आता है, वोट पहले समझ में आता है, और मोदी जी के लिए देश पहले है, वोट बाद में है, ये हमको अंतर समझना है। उनके लिए देश पहले नहीं है, वोट बैंक की राजनीति। मैं इतने दिनों से पूछ रहा हूं, तुम बताओ कि सीएए में क्या क्या खराबी है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में क्या खराबी है? वैसे तो कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके नेतृत्व की
बुद्धिमता सीमित है, उनकी जानकारियां सीमित है। मैंने कल भी कहा था 10 लाइन राहुल गांधी CAA पर बोल करके दिखाएं, 10 लाइन जानते ही नहीं, कुछ उनको जानकारी नहीं। तुमसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, तुमसे ये मांगा जाएगा, तुमसे वो मांगा जाएगा, कोई जानकारी नहीं। लेकिन देश को गुमराह करने का काम इन लोगों ने पकड़ा है। लेकिन हम भी स्पष्ट हैं कि क्योंकि हमने जो काम, मोदी जी ने जो काम किया है वो मानवता का काम है, वो देश के हित का काम है, इसलिए उसमें हमें सफलता मिलेगी मिलेगी, और उस सफलता में लोगों को मानवता के अधिकार पर उनको सिटीजनशिप राइट मिलेगा, इस बात को हम जानते हैं। मित्रों, आप सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रांगण में आए हैं मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी तक आपका धन्यवाद पहुंचाया जाएगा, अमित शाह जी तक आपका धन्यवाद पहुंचाया जाएगा, और उनके साथ जो उन्होंने आपको ताकत दी है, आप सब लोग अच्छे से समाज में खड़े होंगे, देश की सेवा में जुटेंगे, और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये विपक्ष के लोग जिनके लिए वोट की राजनीति ही महत्वपूर्ण है, उनकी चिंता करने की और घबराने की बात नहीं है। हमारा रास्ता सही है, मानवता से भरा हुआ है, देश के हित में है, और इसलिए देश मजबूत होकर रहेगा, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग अपने अपने समाज में पूरी ताकत के साथ अपने समाज को खड़ा करने में लगे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। पार्टी की हमेशा ये विचार रहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर के हम आगे बढ़े, और जो मोदी जी का नारा है उसको हमको क्रियान्वित करते हुए सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, और सबका विश्वास भी हासिल करना है। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार जोरदार खड़े होकर नड्डा जी का स्वागत करें हमारे बीच में। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद। नड्डा जी का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद, धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में धन्यवाद, धन्यवाद। मोदी जी का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आप लोग, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी का, श्री दुष्यंत गौतम जी का, श्री विनोद सोनकर जी का, और भारतीय ओड समाज सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने केंद्रीय कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण में आकर